Congratulations. इतनी बड़ी हिट हो गई आपकी पिक्चर और ये अवार्ड लेके जा रही हो. ये आपके लिए अवार्ड ले हम ही रखें. चलो. Can I go? हाँ. एक फाइनल अवार्ड है. मेरा नंबर कब आएगा अवार्ड? मेरा नंबर कब आएगा? होता ना कि हर बार सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा, इसको भी मिल गया उसको भी मिल गया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? ऑडियंस चॉइस से ये अवार्ड जाता है. सलमान खान को. थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है. स्पेशली ये जो अवार्ड जो अभी दिव्या ने और रमेश जी ने रिफ्यूज की, एंड आई एम ऑनर्ड, आई एम प्रिविलेज्ड, और आई थैंक माय होल फैमिली, एंड आई एम दिस इज टू ऑल यू गाइस. थैंक यू. कहाँ आप भी छोड़ के जा रही है मुझे? This is the reaction that I'm getting everywhere. Strange है कि आप सब, हम सब यहाँ पर आते हैं बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना बन के जाते हैं. इसीलिए हमने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ट ऑडियंस अवार्ड. प्लीज वेलकम रितेश देशमुख. Bow. Bow. Guys, I love how. Yeah. Yeah, I love how. तो पहला अवार्ड है मैं यहां क्या कर रहा हूं. और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक ही को चुना गया है, श्री रमेश तौरानी जी. प्लीज आइए. आइए ना. सर, आपको अवार्ड मिल रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड है, आपको कैसा लग रहा है? दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड अवार्ड, यू नो. ये बताओ कि किस लिए दे रहे हैं अवार्ड? अरे सर, वही ना कि वो ये कि यहाँ पर ऑडियंस के अवार्ड दे रहे हैं, और ऑडियंस का ये अवार्ड है कि मैं यहाँ पर बड़ी क्या कर रहा हूँ. ये प्रोड्यूसर्स गिल्ड का अवार्ड है, फेटर्निटी का अवार्ड है. अरे, तो सब प्रोड्यूसरों को आना है यहाँ. रमेश जी, आप नहीं समझोगे यार. बट रमेश जी इज वन ऑफ द मोस्ट, सर मुझे मेरा हक दे दो, मोस्ट लवेबल पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री. हक रमेश जी. अरे अवार्ड कहाँ है? अवार्ड का अवार्ड लेके गई. ओ माइकी, अवार्ड तो दो. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड है, ये कर सकती हूँ. Yes. इसको आप ही रखो. सर ये आपके लिए. तो इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट काम क्यों कराते हो यार? ये जो आपने ये जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी. तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ. गाओ. हाँ, कौन सा गाना गाएंगे आप? बोलिए. एक एक लाइन गाना है आप. एक एक बफी का गा दो, और एक फिर एक बफी का सिर्फ. नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप. कभी नो मेकअप योर माइंड ना. तो दोनों मेकअप कर दिया माइंड. दोनों गाओ. एक लाइन. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से
चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town, I know you got your own ways, I know you got your own life, I'm just saying come on down to my place. I told you now, did I tell you? Who sang the song? Priyanka. Vidya jealous, na? Hai na? Kitna achha kisi ka gayi hai? Haan? Hai na? Nahi, nahi, hum log dost hain. It's cool. I think. You are the friends? We are, na? Now, how do you prove that? We are, na? करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? जी। फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। No, seriously, amazing voice. और दुआ करता हूँ कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बद्दुआ थी? मिक्स्ड। दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों दोनों अच्छे, दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, तीन रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहां जाना है आप जाइए। थैंक यू। अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई थिंक कहीं एम्स्टरडम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे। जी, आपने उनके लिए गाना गाया था। कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्वह तेरे बिना मेरा कौन नहीं। I swear, the father was shocked. ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे। बड़े बड़े लड्डू? अच्छा मुझे बात बताइए, पूछिए के शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट 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 ही होगा अभी। शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे। खाना खाते हैं भाई, दैट्स इट। तो फिर शादी क्यों की आपने? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। Does anybody, हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहाँ पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me,
that we see her on screen and aapne shaadi kar li. To jo screen pe dikhti hai Vidya aur jo ghar mein hai kitni different hai dono? Same hai. Really same. Are koi mic do yaar, badi interesting baatein kar rahe hain. वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे. बर्फी के बाद या शादी के बाद? आपको लड्डू भेजने के बाद. लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू? बेसन के लड्डू? मोती चूर? मोती चूर के लड्डू? हाय हाय, आप मोती चूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूं? ये के मोती चूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकना चूर किए जा रही हैं. आय हाय हाय हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू विद्या. अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ. बुला सकता हूँ?